क्लास 10 मैथ्स स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ देम। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज आल्सो डिस्कस्ड इन 4.3, बट हियर नेचर ऑफ रूट्स, देयर रिलेशन विद कोएफिशिएंट्स, other things will come, and so we are doing exercise 4.4. It says find the nature of roots of the following quadratic equation. So first thing I should tell the students, if it's quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, then here we find discriminant. B is called b square minus 4ac. It is called discriminant. And if b square minus 4ac is equal to 0, then the two roots are equal. Roots are equal. There are two roots and those roots are equal roots. If b square minus 4ac is 0, it is first thing. Second is, if b square minus 4ac is greater than 0, roots are equal, real and equal. Here real, they will be real. Greater than, then roots are real. This case may be real only and unequal. Don't know any roots are equal or nahi honge. Or this case is, if b square minus 4ac is less than 0, means agar negative hai, to roots are imaginary. Wo keval imagine kiye ja sakte hain ya i ke roop mein likhe ja sakte hain, fulfill karne ke liye condition ko unka koi existence nahi hoga. To ye dono kaise solve kiye jate hain, aur तीसरा केस जो है लिख देते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, वो आपको सॉल्व यहाँ नहीं करना है स्टूडेंट्स। और जो है वो बाद में आपको अदर सीनियर क्लासेज में वो डिस्कस किया जाएगा। यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नहीं दिया है स्टूडेंट्स, पता नहीं इसके पहले बारे में हमने किया था या नहीं, तो सम और मुझे याद नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए, मैं नहीं देखता हूँ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मैंने जो दोनों रूट होते हैं उनका सम होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, माइनस साइन के साथ बड़ी। और प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो होगा, कभी आएगा तो मैं बताऊँगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बड़े। सी मीन्स कॉन्स्टेंट है और कॉमन कोएफिशिएंट का टेस्ट। ये आप याद रखिए स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें इसके टेस्ट के हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन में, तीन पार्ट हैं और फिर मैं आर एस अग्रवाल से रिवाइज करूँगा, उसमें बहुत से आएंगे स्टूडेंट्स। अरे ये क्या हुआ, ये ले क्यों नहीं रहा है? अच्छा अच्छा ले रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों हुआ है? अच्छा अच्छा आप नीचे, तो इस तरह से स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन वन जिसमें तीन पार्ट है मैं करूँगा, और ये आपका टेक्स्ट है जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब इसमें तीन पार्ट हैं, कह रहा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट, माने ये दोनों केसेस अगर है पहला दूसरा, तो उनको फाइंड भी करिए। क्वेश्चन वन है और इसका पार्ट वन है स्टूडेंट्स, 2x² - 3x प्लस 5 = 0। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है -3² - 4 × 2 × 5
9 minus 40, which is minus 31 less than 0. Therefore, roots are imaginary or imaginary. इसको हायर क्लास में आप सॉल्व करेंगे, यहाँ छोड़ देना है. और इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट्स, माइनस 4√3² माइनस 4 × 3 × 4. ये हो गया 4 × 16 = 48 और माइनस यहाँ भी 48 निकलता है जो कि 0 है. तो रूट्स जो है वो रियल हैं एंड इक्वल हैं. अब इनको हम यहाँ फाइंड करेंगे. तो इनको फाइंड करने का तरीका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयरफॉर रूट्स एक्स = माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है. ये फॉर्मूला है. तो माइनस बी कितना है, 4√3 माइनस 4√3 है बी. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 48 माइनस 48 है, अलग से 2 है, 2 × 8 − 2 × 3. ये हो गया 4√3/6. ये दोनों होंगे, दूसरा भी होगा 4√3/6. 2 × 4 = 2 × 4 = 3. देयरफॉर रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3. ये दोनों रूट्स आ गए आपके क्वेश्चन नंबर को. सॉरी, आ गए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पर है. और इसमें रूट्स इक्वल हैं, पहले में इमेजिनरी थे. और तीसरा मैं करता हूँ हमारा किस्सा और हम लोग रिवाइज करेंगे कॉलेज सरवार से वैरायटी ऑफ सम्स आएंगे. अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता के ले चल रहा हूँ. काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, 4 चैप्टर काफ़ी है. फिर मुझे उम्मीद है कि अब स्कूल जब खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लेते हुए सबको. क्योंकि जो भी हो ये क्लास की तरफ से उतना इफेक्टिव तो नहीं जाता है ऑनलाइन क्लास. एक क्वेश्चन है 2x² − 6x + 3 = 0. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट्स, −6² − 4 × 2 × 3. यह है 36 − 24 = 12, विच इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं है. तो एक्स होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू है. वो किसी के क्या है, माइनस बी है 6 यहाँ पर, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है रूट ऑफ 12 अपॉन 2 × 2 है, 2 यहाँ पर. तो 6 + −12 हुआ 2√3, 4 × 3 √3/4. ये हो गया 2 से 5 लीजिए, 3 + −√3/2. तो एक रूट हो गया आपका 3 + √3/2, 3 + √3/2 हुआ एक रूट. दूसरा हुआ 3 − √3/2. यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं और तीनों केसेज आ गए स्टूडेंट्स. और इसके बाद उनका सलूशन, ये अनइक्वल रूट्स हैं, 3 + √3/2 है और दूसरा 3 − √3/2 है. इस तरह से ये आपके ये क्वेश्चन 1 पूरा हुआ. फाइंड द वैल्यू ऑफ के
for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. ये दोनों equal roots रखते हैं question को में k की value निकालनी है means यहाँ पर indirectly कह रहा है कि अगर discriminant zero है तो k की value क्या होगी question को students find the value of k so that here 2x square minus plus 3x plus 3 is equal to 0. Here roots are equal. Roots are equal. Therefore d must be 0. Therefore k square minus 4 into 2 into 3 must be 0. Means k square is equal to 24, which implies k is equal to plus minus root 24, or root 24 by 4 into 6 means plus minus root 6. ये k की वैल्यू है प्लस हो या माइनस हो रूट 6, जिससे दोनों रूट्स इक्वल बने. और दूसरा है इसका, ये पहला पार्ट था स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट है इक्वेशन है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. एज रूट्स आर इक्वल सो डी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आएगा टू के माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स मस्ट बी जीरो, विच इंप्लाइज फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू जीरो. बाय दिस फोर के इज कॉमन तो हियर इज के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. तो इस फोर को एक नंबर है जो जीरो हो नहीं सकता, देखो के जीरो होगा या के माइनस सिक्स जीरो होगा, देखो के में भी जीरो और सिक्स. तो जीरो भी होगा तो भी इक्वल होंगे और सिक्स भी होगा तो भी इक्वल होंगे. इस केस में ये के की वैल्यू अगर सिक्स होती है तो फोर इंटू टू इंटू थ्री को प्लस माइनस टू रूट सिक्स आता है के की, और एक्स आता है जीरो पॉइंट सिक्स. तो के की वैल्यू निकालने में रूट सही निकालने के की वैल्यू निकाल. अच्छा के भी तो आया है, के की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स तो बराबर है. अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था सॉरी कंक्लूजन है. इसमें अगर जीरो होगा ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो सिक्स इक्वल जीरो उस केस में तो कोई फायदा नहीं है. और तो इसलिए जीरो को हमको हटाना पड़ेगा. अगर सिक्स होगा तो आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स. तो फोर इंटू सिक्स वन फोर और जीरो होगा. जीरो इस तरह से नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जाने से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा स्टूडेंट्स. तो इस तरह से दो सम हमने कंप्लीट किया, तीन और रह जाता है. वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको यहाँ पर